अब एक चीज और है समझने वाली कि अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये मेरा 3D सॉलिड है। 3D सॉलिड कैसा होगा? जैसे ही क्लिक करूंगी पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ ग्रिप्स आपको दिख रही हैं, कुछ ट्रायंगल शेप में ग्रिप्स हैं, कुछ स्क्वायर शेप में ग्रिप्स हैं। तो इन ग्रिप्स का भी अपना एक अलग मतलब है। अगर मैं इस वाली ग्रिप पे कर्सर रखती हूँ तो ये हॉट हो जाएगी। हॉट का मतलब ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर मैंने सिर्फ कर्सर अभी प्लेस किया है, मैंने अभी क्लिक नहीं किया, अब इसको जैसे ये रेड होती है और मैं इसको लेफ्ट क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे अपने ऑब्जेक्ट के साइज को ऑल्टर करने के लिए ऑप्शन दे रही है। अब अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से या एक फिक्स डिस्टेंस से ही चेंज करना है, फिक्स वैल्यू से ही चेंज करना है, तो वो वैल्यू मैं अगर यहाँ पर टाइप करके एंटर करूँगी तो मेरा ऑब्जेक्ट उतना ही छोटा या बड़ा हो सकता है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये ग्रिप्स का क्या मतलब होता है। अगर मैं ये ऊपर वाली ग्रिप पे कर्सर रख के क्लिक करती हूँ, लेफ्ट क्लिक, और फिर ऊपर या नीचे ड्रैग करके क्लिक कर देती हूँ, अभी मैं वैल्यू नहीं दे रही हूँ, ऐसे रैंडमली करके दिखा रही हूँ, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे ये वाली ग्रिप है, इसको भी अगर आप क्लिक करके चाहो तो यहाँ इस तरफ इसको बड़ा भी कर सकते हो, और आप इसको ग्रिप को लेफ्ट क्लिक करके अगर आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। यहाँ वाली ग्रिप भी कुछ ऐसे ही काम करेगी, बड़ा करना चाहो बड़ा हो जाएगी, और छोटा करना चाहो ऑब्जेक्ट को तो छोटा भी कर देगी। तो ग्रिप्स का ये मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, ग्रिप्स को समझ लिया। अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं, मुझे विंडो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो ये एक बार में ही पूरा सिलेक्ट होगा और आप इसको ई एंटर करके इरेज कर सकते हो। सिंपल है। अभी यहाँ पे बॉक्स दोबारा से लेते हैं। अभी मैंने रैंडमली कि बिना किसी साइज के ही बॉक्स बना दिया था, लेकिन ऐसा तो नहीं करना होगा, हमें हमेशा किसी पर्टिकुलर साइज से ही अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे वापस से बॉक्स की कमांड ले लेते हैं। फर्स्ट कॉर्नर तो आपको जहाँ पे बॉक्स क्रिएट करना है वहाँ पे क्लिक करना ही है। ठीक है, अब सेकेंड कॉर्नर मैं रैंडम क्लिक नहीं करूँगी। लेफ्ट क्लिक किया था मैंने पहला कॉर्नर, याद रखिए, राइट क्लिक नहीं किया था। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्यूब और लेंथ। अगर मैं क्यूब का ऑप्शन चूज करती हूँ तो क्यूब क्या होता है? क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक ही जैसी होती है। माने कि अगर मैं 6 टाइप करूंगी क्यूब लेके, तो वो 6 बाई 6 बाई 6 का मेरे को क्यूब बना के दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे लेते हैं हम यहाँ इस सिचुएशन में? या तो मैं क्यूब पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो क्यूब का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अभी मेरे को मान लो नीचे नहीं जाना है, मैं यहाँ अपने ड्राइंग एरिया के अंदर से ही मैं ये ऑप्शन लेना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास एक ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे आपको। अब अगर मैं इसमें से क्यूब ले लेती तो क्या हुआ? क्यूब लेते से ही यहाँ पे मेरा क्यूब बनना शुरू हो गया, और नीचे अगर आप देखो कमांड लाइन पर तो वो मुझसे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई लेंथ। तो मेरे को इसको लेंथ बतानी है, एक ही बार बताऊंगी और वो तीनों डायमेंशन वैसे ही ले लेगा। तो यहाँ पे एक काम करती हूँ मैं कि 3 इंच की डायमेंशन इसको दे देती हूँ। तो 3 मैंने सिर्फ टाइप किया है, क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट, मेरे जब मैंने यूनिट सेट करी थी तो इंचेस थी, तो 3 को वो 3 इंच मान के, और एंटर प्रेस करती हूँ। स्पेस बार भी प्रेस करके, मैं स्पेस बार प्रिफर करती हूँ एंटर के लिए, तो मैंने ये स्पेस बार प्रेस किया, तो ये मेरा 3 बाय 3 बाय 3 इंच का उसने मुझको बॉक्स बना के दे दिया। ठीक है, दोबारा से लेते हैं बॉक्स की कमांड। वापस से फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक किया था मैंने फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर नहीं क्लिक करूंगी। अब की बार राइट क्लिक करके ऑप्शन लूंगी लेंथ का। अब लेंथ का मतलब क्या हुआ? अगर लेंथ दे रहे हो आप तो मतलब आपको 3 इसको वैल्यू बतानी पड़ेगी। एक तो एक्स की तरफ क्या वैल्यू देनी है, वाई की तरफ क्या देनी है इस बॉक्स को वैल्यू, और जेड की तरफ क्या देनी है। तो मैंने लेंथ का ऑप्शन जैसे ही लिया तो उसने मुझसे सबसे पहली लेंथ पूछी, जो कि हमेशा याद रखो कि जब भी आप को 3 डायमेंशन देनी है तो पहली जो वैल्यू आप दोगे वो एक्स की तरफ जाएगी। तो ये चीज जो देख रहे हो ना, आपका UCS आइकन, इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी वैल्यूज देनी है। आपको इस तरफ कितना रखना है बॉक्स का डायमेंशन, वो आपको
ये वाले यूसीएस आइकन को देख के करना है, क्योंकि पहली वैल्यू जाएगी एक्स की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 4 दे देती हूँ, मतलब के 4 इंच, ठीक है, और एंटर करती हूँ, तो उसने इसको एक्स की तरफ 4 कर दिया। इधर की तरफ मान लो मुझे 2 इंच ही चाहिए, तो मैंने 2 टाइप करके और एंटर किया, तो ये 2 हो गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है हाइट कितनी रखनी है। मान लो मैं यहाँ पे इसको 5 दे देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो मेरा ये बॉक्स अब बिल्कुल साइज से क्रिएट हुआ है। ये भी साइज से क्रिएट हुआ था। यहाँ पे मैंने 3 इंच का क्यूब बनाया हुआ है, तो एक्स वाई जेड तीनों 3 इंच के हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें जो एक्स की तरफ जो आपकी डायमेंशन है वो आपकी 4 इंच है, फिर आपकी जो वाई की तरफ डायमेंशन है वो 2 इंच है, और जो जेड की तरफ डायमेंशन है वो आपकी 5 इंच है। तो इस तरीके से आपको मैंने दोनों तरीके करके दिखा दिए बॉक्स के अंदर। फर्स्ट कॉर्नर आप लेफ्ट क्लिक करते हो जहाँ पे भी आपको बॉक्स बनाना है, फिर या तो आप राइट क्लिक करके ऑप्शन ले लेते हो, या यहाँ से आप ऑप्शन ले सकते हो क्लिक करके। तो जैसे ही मैंने ऑप्शन लिया तो अब उसने मेरे को क्यूब बना के देना शुरू कर दिया। बस एक मेरे को वैल्यू देनी है, यहाँ पे मैं 2 दे देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, और 2x2x2 का यहाँ पे उसने मुझे एक क्यूब बना के दे दिया है। वापस से बॉक्स की कमांड लेके फर्स्ट कॉर्नर लेफ्ट क्लिक किया, अभी लेंथ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे लेंथ पे क्लिक किया। अभी पहली वैल्यू मान लो मुझे 1 ही रखनी है, यहाँ पे 1 इंच, एंटर किया, एक्स की तरफ 1 चला गया, वाई की तरफ मान लो 5 रखना चाहती हूँ मैं, एंटर किया, हाइट में मान लो मैं 3 रखना चाहती हूँ 3 इंच, एंटर किया। तो मेरे पास अब 1 इंच बाय 5 इंच बाय 3 इंच का एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्लिक करते हैं इसको, ग्रिप्स मिल गई हमको यहाँ पर। अभी इसको चेंज करना है। मान लो मैं इधर इस तरफ इसको मैं सोच रही हूँ कि ये 4 इंच है, मैं इसको 6 करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना होगा, इस ग्रिप पे कर्सर रख के लेफ्ट क्लिक करना होगा इसको, और आगे की तरफ ड्रैग करना है, जिस तरफ आपको इसको बढ़ाना है उस तरफ ड्रैग करते हुए, और आपको फिर कीबोर्ड पे जितना भी आपको डायमेंशन इसकी बढ़ानी है, मान लो मेरे को 2 इंच और बढ़ानी पड़ेगी अगर 6 करना है, तो 2 टाइप करके मैं स्पेस बार प्रेस कर दूँगी। तो अगर अब देखो इसको, तो ये आपको 6 इंच मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रिप्स को यूज़ करके अपने डायमेंशंस को चेंज, अपने ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। यहाँ से इस ग्रिप को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं इस ग्रिप पे रख के, और इधर की तरफ इसको कन्वे करते हैं अपने कर्सर को, और हम यहाँ पे मान लो ये 2 इंच है और मैं इसे 3 इंच करना चाहती हूँ, मैंने 1 इंच और बढ़ाना है, तो 1 मैंने टाइप किया कीबोर्ड पर और स्पेस बार प्रेस किया। अभी कर्सर रख के देखते हैं, अब ये 3 इंच हो गया है। तो इस तरीके से आप ग्रिप्स को यूज़ करते हो। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। अब आप इसको ट्राई करके देखना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रिमिटिव्स बनाना सीखेंगे, कैसे करना है काम।